श्री बिरला उनके सामने साक्ष्य करना। और जाहिर है जब जो मेरी राइट साइड पर बैठे हैं वो ए हैं और जो उनके सामने बैठे होंगे वो बी होंगे, तो ए बोलेगा और बी सुनेगा। जैसे ये मैम ए होंगी तो बी सुनेंगे, आप फिर उनके साथ कर लेंगे तैयार कर लेंगे जी। आप उनसे कहिए जो मानते हैं, जो मानते हैं वो फिर मान रखते हैं। तीन दफा कहिए जो मानते हैं। ऐसे हुआ ना जरा। अब ये है कि आप इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखिए, चाहे वो ट्रेनिंग हो या बातचीत हो या कोई भी मामला हो, तो मान जो रख रहे होते हैं वो यकीनन मान के बैठे होते हैं, और जो नहीं मान के बैठे होते वो ज़ाहिर मान नहीं रखते। ट्रेनिंग्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग का ताल्लुक भी एक्सेप्ट करने के साथ होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके इल्म में होती हैं लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं होती। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके इस्तेमाल में होती है लेकिन आपके इल्म में नहीं होती, उससे ज़ाहिर फर्क पड़ता है। अब आपने इसके साथ ही एक बात ज़हन रखनी है, आपने ये सुन रखा होगा कि पत्ता गिरा तो दर से फना दे गया मुझे। हमारे इर्द गिर्द बहुत से पत्ते गिरते हैं लेकिन हमें उससे दर से फना नसीब नहीं होता, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम उस तर्ज पर देख नहीं रहे। आपके इर्द गिर्द जब कभी भी कुछ होता है तो वो रब्बे कायनात का इंतज़ाम होता है और उस्ताद उसको सबसे बेहतर समझना चाहिए उस्ताद को। तो जो रब्बे कायनात के इंतज़ाम का एहतराम करते हैं वो मोहतरम होते हैं। अब आपके लिए जो भी ये सिलसिला है तो मेहरबानी है सर की, मैं तो इसे अपनी हाज़िरी समझ लूँ कि मेरी हाज़िरी लगवाई है उन्होंने, मेहरबानी है इनकी। तो आपके लिए जब कभी भी कोई इंतज़ाम होता है तो उसका एहतराम करना आप सिखा सकते हैं उसका एहतराम करना, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके नतज मुख्तलिफ निकलते हैं। ये मैं इब्तदाई सिर्फ आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ चूँकि मैं इसको ट्रेनिंग नहीं समझ रहा, मैं इसको इंटरेक्शन समझ रहा। तो अब आप लोगों ने सवाल पूछना है मुझसे, बतौर उस्ताद आपको किन किस्म के मसाइल का सामना होता है, और मैं उसके ऊपर सिर्फ एक राय है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और राय जब पेश की जाती है तो वो ये नहीं होता कि वो हतमी है, वो ज़ाहिर इख्तलाफ राय का हक़ रखते हैं। लेकिन जब आप मुझसे बात करेंगे अपने सवाल के तौर पर, तो सवाल जब आप करेंगे तो पहले मैं सवाल पर तबसरा करूँगा और उसके बाद उसके मुताबिक राय का जिसमें लगे। अब एक लम्हे को देखिएगा, मैंने कहा सवाल पूछिए, आपको जब सवाल पूछने में सोचना पड़ा तो उस बच्चे को कितना सोचना पड़ता जो आपसे पूछता नहीं। वो आपसे क्यों नहीं पूछता? क्योंकि आपकी और हमारी तरबियत पूछने की नहीं हुई। जब हमारी आपकी तरबियत पूछने की नहीं हुई तो हम बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, नॉट ट्रेंड टू बी ट्रेंड, यानी हमारी इतनी भी तरबियत नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, क्योंकि उसके लिए भी तरबियत तो होना जरूरी है। हमें क्लियर? और देखिएगा कि सोने की तख्लीक कभी बोझी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अब ज़रा साथ वाले की तरफ मुँह करके जुमला मेरे साथ बोलिएगा। अब तक सर आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही आपको? हाँ थोड़ा कम आ रही है, दिक्कत है जी। मैंने साउंड सिस्टम किया नहीं, मैंने कहा आप तक बेटा आप लोग को आवाज़ आ रही? साथ वाले की तरफ मुँह करके एक जुमला तो बोलिएगा, कहिए ऐ रब्बे कायनात आपने हमें मुँह अता फरमाया और हम अक्सर इसका बूथा बना लेते हैं। बात पहुंची? बड़ी अहम बात है, पहुंचनी चाहिए कि रब की तख्लीक कोझी नहीं होती। कोझा होना इख्तियारी फेल, यानी रब ने तो मुँह अता फरमाया और मुँह को बूथा किसने बनाया? और उस्ताद का तो सिर्फ मुँह ही होना चाहिए इसका। बात पहुंच रही है ना? क्यों? क्योंकि आपको देखा जाता है, आपकी नकल की जाती है। अरे जिसकी नकल की जाती हो उसे असल में कितना असल होना चाहिए, क्योंकि उसकी तो नकल की जाती है। उसका उठना बैठना चलना फिरना इनके जो भी मामलात हैं रमदर को भी गौर करें कि देख, आपने देखा कई टीचर्स को जो जिस तरह का पैरहन लिबादा लिबास को पहन के आती हैं, बच्चियाँ घर में जाके कहती हैं मेरे टीचर वाला दुपट्टा ले, मेरे टीचर जैसे शूज़ पहने। उस तरह जो हजरात हैं
उसकी मुताली में क्या कहते, मैंने वही वाली वेस्टकोट पहनी है, वो कैप पहनी है, वो सब क्यों, क्योंकि आपको देखा जा रहा है, आपकी नकल की जा रही है। तो जिसकी नकल की जा रही है, जिससे मैंने आपसे अर्ज किया, तो उसको तो असल में बहुत ही असल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली हमारी बेतवज्जी के पहले तो हम भेंट चढ़ते और फिर हमसे जुड़े तो ऑटोमेटिकली उसकी भेंट चढ़ जाते। उस्ताद का ये काम है, देखो वो इंस्पिरेशन है और आप तो रोल मॉडल्स हैं, ऐसा ही है ना, साथ वाले की तरह मुंह करके कहिएगा, लेकिन अक्सर रोल मॉडल्स रोल के रख देते हैं। ये बात भी पहुंची ना, अक्सर रोल मॉडल्स फिर क्या करते हैं, रोल के रख देते हैं। एज अ रोल मॉडल आपका काम तो यही है ना कि आप उनके लिए ऐसे हो कि आपका देख बंदा मेरे साथ मिलके, मेरे साथ मिलके बोलेगा, कहेगा जब हमें इल्म है कि हमें देखा जाता है तो हमें देखना नहीं चाहिए कि हमें देखा जाता, देखना चाहिए। और जिसकी अपने आप पे नज़र होती है ना साहब, उसकी कभी किसी और पे नज़र नहीं होती, जिसकी अपने आप पे नज़र होती है उसकी किसी कभी किसी और पे नज़र नहीं होती। आप खुद पे नज़र रखोगे, एक तो अपनी नज़र में रहोगे और अपनी नज़र में रहने वाले मुत्तकी होते हैं, ऐसे ही है ना। और उसके बाद दूसरा क्या उसका फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि आपको देखा जा रहा है। आपने हाथ लगा के किसी को अगर बोल दिया आपको पता नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो बच्चे मौजूद हैं वो ज़रूर हाथ लगाए। आपने अगर चलते चलते कहीं स्पिटिंग कर दी आपको नहीं पता, लेकिन आपके गिर्द वो जो कैमरे फिर रहे हैं उन्हें उसको कैच किया और वो कर देंगे और उनके पास तौजीह क्या होगी, सर ने ऐसा किया था, मैम ने ऐसा किया। इसी तरह राहदारी में खड़ी होकर अगर खातिन आपस में गुफ्तगू करती हैं, वो चाहे किसी भी मौजू पर करती हैं और ठट्ठा मार के हंस पड़ती हैं, तो फिर उन बच्चियों को कभी मत कहिएगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। क्योंकि देखिए हम, मुझे याद है कि जनूबी एशिया की कॉन्फ्रेंस थी, मैं पाकिस्तान की तरफ से उसमें शामिल था, तो उसमें सिखाने के तरीके सिखाए जा रहे थे। मेरा पहले भी अकीदा था और उसमें तो और ज़्यादा उस अकीदे को और ज़्यादा वो पक्का हो गया कि साहब सिखाने के जितने भी तरीके वो सब के सब दर मुस्तफ़ा से निकले, इसके अलावा कोई तरीका जगह है ही नहीं, एक ही दर। मैं जो आपसे कह रहा हूँ साथ वाले को सुना दीजिए, साथ वाले को बता दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी सहाबा कराम के साथ बात फरमाते थे तो अपनी मौजूदगी में ही हुक्म देते थे कि साथ वाले से एक दफ़ा दोहरा लो मेरे सामने। तो इसका मतलब ये साथ वाले को बताना तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें ज़ाहिर है। और उससे क्या होता है, रिकैप भी हो जाता है, आपस में एक दोहरावा भी हो जाता है। फिर ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो बात कही हो वो फ़ौरन पहुँच गई हो, वो हमसाए की मदद से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच जाती है। अब जब फेलोज बैठ के आपस में बात करते हैं वो एक दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं, उस्ताद की शायद उस तर्ज पर ना सुन पा रहे, उसकी ज़्यादा सुनती है। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूँगा कि जो मैथ पढ़ाने वाले लोग हैं, वैसे तो सबको ये देखना चाहिए, ये अपने बच्चों को बिल पढ़ना सिखाएं। उसमें जमा भी है, नफ़ी भी है, माइनस प्लस सब कुछ मौजूद है। जब आप अपने बच्चे को बिल पढ़ना सिखाएंगे तो उसके अंदर लाइफ स्किल ले आएंगे। वो जब अपने घरों को जाएगा तो आप देखिएगा कि वो अपने माँ बाप को कह रहा होगा इस वक्त इस्त्री नहीं चलानी, इस वक्त ये नहीं ऑन करना, इस वक्त वो नहीं ऑन करना, क्योंकि वो मैथ के इस्तेमाल को भी सीख चुका होगा और माँ उसको भी सीख चुका होगा। आप अपने बच्चों को, और ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है जो आप लोगों ने बताना है, और उसी 35-45 मिनट के अंदर जो आपके ज़ाहिर हिस्से में आता है। नहीं तो नॉर्मली होता ये है कि 45-35 मिनट के अंदर अगर कोई बच्चा देर से आया है तो 10-15 मिनट उसकी शान में चले जाते हैं, और फिर वो सारे का सारा जो 35 मिनट का हिस्सा है, वो जो बैठे हुए थे उनको सज़ा मिल रही होती है वो देर से आने वाले की। तो ज़ाहिर वी नीड नॉट डू दैट, है ना, ये कर लेते हैं सिंपल, कोई बात नहीं। वाली ये जो बदलने को तैयार नहीं होते, ये खुद से बदला लेने में मसरूफ होते हैं। तीन दफ़ा कहिए, बात पहुंच रही है, अभी दो दफा हुआ, तीसरा अभी आधी से दफा, आप इनसे कभी भी बात करके देखें ना, ये कहते हैं अब हम कहाँ बदल सकते हैं। और अगर आप इनके करीब रहने वाले लोगों से पूछें तो ये तब भी नहीं बदल सके, क्योंकि ये तब भी तैयार है, ये आज भी तैयार है एफर्ट डालने का। और आप लोगों से, मैं, मेरे वालिद साहब मुझे फरमाते हैं कि एक तो
उस्ताद हो फिर सैयद हो, तो इसका एक ही मतलब है कि अल्लाह ज़्यादा पूछेगा, इसके अलावा कोई मतलब नहीं इसका। और बिल्कुल बजा फरमा। फिर एक दफ़ा मुझे फरमाने लगे कि बेटा जब तुम्हें कुछ सुनता है या तुम्हारे पास चल के मिलने के लिए आता है तो वो तुमसे ज़्यादा इज्जत वाला होता है। जब उन्हें ये फरमाया मैंने कहा हमने तो उसके बरक सुन रखा, तो फरमाने लगे कि जो तुम्हारी इज्जत का सबब होगा तो तुमसे ज़्यादा इज्जत वाला नहीं। तो साहब इज्जत के सबब की इज्जत करने वाला इज्जतदार होता। बात पहुंच रही है ना? इज्जत के, अब अगर इसी जुमले को ध्यान में रख के आप कमरे जमात में दाखिल होते हैं तो आप अपनी इज्जत के सबब की कितनी इज्जत करेंगे? क्या आप कभी झिड़केंगे किसी बच्चे को? क्या आप सख्त लबो लहजा अख्तियार करेंगे? क्या आप उसे बुरा भला कहेंगे? क्योंकि आप तो अपनी इज्जत के सबब की तौकीर करेंगे तो फिर आप सर्टिफाइड इज्जतदार होंगे, और ये तभी मुमकिन। और चीख के चुप कराने वाले चुप तो नहीं करा रहे, आपके हमारे आमतौर पर देखा कभी कभी यहाँ तो अगर खातिन ज़्यादा बैठी है, मैं एक बात हल्की बंद हजार, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, ये जो कपल्स की होती है या ये जो पेरेंटिंग की होती है, अक्सर मर्द हजरात जब घर में दाखिल होते हैं तो कहते हैं कि मेरा पहला दिमाग ख़राब है। तो मैं अक्सर मर्द हजरात से कहता हूँ कि जब आपके इल्म में है दिमाग खराब है, आपको तो घर जाना ही नहीं चाहिए जब तक ये ठीक ना हो। बल्कि पिछले दिनों एक टीवी के ऊपर मेरा इंटरव्यू था, मुझे बुलाया हुआ था उन्होंने, तो मैंने उनसे ये बात की कि जब एक मर्द घर जैसी जन्नत में दिमाग में दोजख लेके घुसेगा तो उसे दोजख बना छोड़ेगा, इसलिए उसको चाहिए चूँकि वो ज़िम्मेदार। और ज़िम्मेदार जब ज़िम्मेदारी से उलझ पड़े तो वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। बात पहुँच रही है ना? इसी तरह आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, और जिस घड़ी आप अपनी ज़िम्मेदारी से उलझ पड़ोगे तो फिर तो आप खुद ज़िम्मेदार ना रहें, आप खुद ज़िम्मेदारी करें। और जो उलझ पड़ता है वो फिर अपने आप को बचाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैं सुलझाने के लिए उलझाऊँ। तो सुलझाने के लिए उलझने वाला जो आपसे है, इसी पर मैं चाहूँगा दो मिनट के लिए कि आप रीकैप इसका करें साथ वाले के साथ, अभी तक की गुफ्तगू में से कुछ ना कुछ जुमले दोहरा के आपस में, मुझे नहीं बताएं, आपस में एक दफ़ा उसका रीकैप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी अभी तक गुफ्तगू पे आपके जहन में कोई सवाल पैदा हुआ तो आप कीजिए। सर, ये जहन में सवाल जो है ना, सवाल नहीं बल्कि सोल्यूशन क्या है सर कि बहुत सी जो है क्या है कॉम्प्लेक्स किस्म की जो जहन में देना एंग्जाइटी उलझन, उनका कहना है कि इस तरह की ना आपकी बात से वो उलझने जरा हल होना जो ना एक जहन में उनका सोल्यूशन सा जो ना मिलना शुरू हो गया, बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह आपकी जो ना दो चीजें समझ में आएंगी। एक तो जब आप क्लास में कमरे जमात में दाखिल होते हैं तो अपना घर का स्ट्रेस वहीं पे छोड़ो। दूसरी अहम बात ये है कि जिस वक्त आप घर में दाखिल हों तो अपने स्कूल का स्ट्रेस लेके जी। सबर के ऊपर मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो दिया गया कि अपने आप में सबर पैदा करें, बड़ा जरूरी है। इसमें सर एक आपकी बात ये चाहिए कि अपने नफ्स की जो पहचान कर लेते हैं, अपने आप पर जो नज़र रखता है वो दूसरों के ऐप देखने की बजाय अपने इस्लाह की फिक्र में दिया करें। जी जनाब, जी जनाब। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, एज मदर पेरेंटिंग पे भी आप काउंसलिंग करते हैं जी मैम,
हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चल चुका हुआ है ये जंक फूड फास्ट फूड, आप जितना भी इस चीज़ से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जब तक मेरा बेटा स्कूल लाइफ में एंटर नहीं था हुआ, उससे पहले उसे इन चीज़ों के नाम तक नहीं थे आते, तो अब सिर्फ पेप्सी छोड़ के बाकी सारे उसे टेस्ट कर लिए हैं, और जिस दिन उसको उस चीज़ से स्टॉप किया जाता है तो वो घर में कोई भी बात उसने एक टेक लिए। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है पेरेंट्स के लिए कि वो इन चीज़ों से, ठीक है लाइफ में बदलते दिन के साथ चीज़ों के साथ चलना भी चाहिए बच्चों को, लाइक अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे रास्ते में हमें मिनरल वाटर के अलावा कोई वाटर नहीं मिल सकता, अगर आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं वो भी मुश्किल ही होती है, आप घर से कितना पानी कैरी कर सकते हैं। सर कोई ऐसा सोल्यूशन हो एक पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को या हम टीचर्स एज टीचर अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ जाने ही ना दें, वो खुद उस चीज़ से पीछे हो जाए, क्योंकि जितने भी कमर्शियल जितने भी ऐड आते हैं वो इतने स्पाइसी और वो इतने डिलीशियस करके दिखाते हैं कि फुल हुआ वो बंदा कहते हैं नहीं आज कुछ ऑर्डर कर ही लो, कुछ इस तरह से हमारी गाइडेंस। इससे जुड़ा कोई सवाल हो किसी के जहन में? चलिए अच्छा ये मैम कि मैं जब बच्चों को वालदैन उनसे बात करते हैं अक्सर वालदैन ये कहते हैं कि मैं सर अपने बच्चे को लेकर आऊँगा इसको तो समझे, तो ये इतना गैर मुनासिब फेल है। जब आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि कोई और इसको समझाएगा तो ये इसमें आपकी अपनी भी तौकीर नहीं है और बच्चे की तो फिर बिल्कुल ही नहीं। दूसरा मैं कहता हूँ कि ख़ासतौर पर एक्सपर्ट्स के पास जाना तो खैर फाइनस है, जब आप मामों से या चाचों से कहते हैं कि इसको तुम समझाओ या खाला से कह देते हैं आप इसे समझाओ और वो उससे आप खाला छीन लेते हैं उस बच्चे से, उससे मामू छीन लेते हैं, उससे चाचू छीन, उसे पता चलता है वो लोग आ रहे हैं वो पहले दर्द हो जाते हैं कि ये आएंगे नसीहत करेंगे, हालांकि वो तो प्यार के रिश्ते हैं वो आए प्यार कर चले। प्रॉब्लम मैम ये आ गया है कि आजकल की जो खातीन हैं खासतौर बतौर मदर वो चूँकि इंगेज हो गई हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ में, वो अपना वो रोल नहीं प्ले कर पा रहे, करना ज़रूर चाह रहे लेकिन वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। और टीचर्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि टीचर को तो और भी ज़्यादा आसानी उस रोल को प्ले करने में, चूँकि वो बहुत से और बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के हिसाब से। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है बर्गर खिलाना या करना फौरी तौर पर बिठाया जा सकता है, बच्चा चिढ़ जाता है पता चल जाता है मैंने उसके बारे में। दूसरी बात यह कि जो हेल्दी फूड है उसके ऊपर आप डिस्कशंस करें घर में, जब आप हेल्दी फूड पर डिस्कशंस करेंगे घर के अंदर तो आप उसे बताएंगे नहीं कि हेल्दी फूड क्या होता है, बल्कि आप उसे बताएंगे आप हमें बताएं कि हेल्दी फूड क्या होता है। और जब वो पढ़ने जाता है ना बच्चा तो कहीं दुनिया की कोई चीज़ नहीं जहाँ पर आपको हेल्दी फूड में ये बताया जा रहा है कि फास्ट फूड हेल्दी फूड, जब उससे पढ़ के आते सो क्या मतलब। तीसरी बात अपने बच्चों के जब खिलौने लाते हैं आप और वो उन्हें ठीक करके बनाने होते हैं तो आप कभी भी अपने बच्चों को ना कहें मैं आपको बना के दे देता हूँ, उसे कहें ये मैनुअल है इसके साथ इसको देखो और इसके मुताबिक उसे खुद बनाओ, जब उसके मुताबिक खुद बनाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो इंडिपेंडेंट होकर चला जाएगा। आप अपने बच्चों को जितना एजुकेट करेंगे और फिर उस चीज़ से हटाएंगे वो खुद ब खुद हट जाएगा, और अगर आप उसे नसीहत के तौर पर कहेंगे ये छोड़ दो ये छोड़, बड़ों से सिगरेट नहीं छूटती आप बच्चों से कैसे फास्ट फूड छुड़वा सकते हैं, इसलिए उसको एजुकेट करेंगे वो छोड़ देगा और अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो वो नहीं छोड़ देगा। आपके सब्र पर मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा होटल है वहाँ पर मैं ट्रेनिंग कराने के लिए, ये आप सबके लिए बड़ी अहम बात है इसमें, मैं वहाँ ट्रेनिंग कराने के लिए तो वहाँ पर मैं उनको बताने गया कि कप कैसे रखते हैं ग्लास कैसे रखते हैं मेरा एरिया, तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा आप जब कप जहाँ रखना होता है उसकी वजह किसी और जगह रख देते हो या चम्मच कहीं और रख देते हो तो आप सॉरी करते हो, तो मुझे कहने लगा सर को एक बार ही बार बार सॉरी करो, मैंने कहा साहब कभी घर में भी सॉरी किया? क्या गजब का जुमला उस शख्स ने बोला, कहने लगे सर घर में सॉरी करने के पैसे नहीं मिलते, जुमला पहुँच रहा घर में सॉरी। मैंने फिर उनसे क्या कहा, मैंने कहा जिनके लिए बर्दाश्त करते हो बस उन्हें तुम बर्दाश्त नहीं करते, बात पहुंच रही बात पहुंची है जिन दुराएं इस वगैरह को दुराएं जरा जिन के बर्दाश्त नहीं। आप यहाँ पर बच्चों को उनके वालिदैन को अपने सीनियर्स को पता नहीं कई कई बातें होती हैं जो खिलाफ मिजाज होती हैं करते हैं ना बर्दाश्त नहीं, किसके लिए जाहिर है रोटी रोजी कमानी तो है, भाई जिनके लिए रोटी रोजी कमा रहे हो उन्हें अगर आप बर्दाश्त नहीं कर रहे तो ये मुनाफ़त है, ये कोई बेहतरी नहीं।
और हमें इसको सीखने और समझने की ज़रूरत है। और बच्चों के साथ प्लीज़ बात करें, और ऐसे बात करें कि उनके जहन में सवाल पैदा हो। बच्चों के जहन में तो होते हैं, जितना बच्चा पूछेगा उतना वो सीखेगा, और जितना वो नहीं पूछेगा समझ ले वो नहीं सीखेगा। और अपने बच्चों को कभी भी एक बच्चे के साथ एक दिन में ज़्यादा, एक पीरियड में अगर वो बैठा है ना, अगले पीरियड में उसका साथी बदले, उससे अगले पीरियड में उसका साथी बदले। वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसके दोस्त बदलते रहने चाहिए, जो कि अगर वो फिक्स्ड हो गया, मेरे इसके ऊपर भी एक अंग्रेज़ी का आर्टिकल है कि फिक्स्ड चेयर्स फिक्स्ड नोशंस, जहाँ चेयर्स फिक्स होती हैं वहाँ नज़रियात भी फिक्स होना शुरू हो गया। तो चलो अगर फिक्स है भी चेयर, तो बच्चे बदलते हैं, इधर को इधर उधर करके आप उनको आपस में इस तरह बात करवाएं कि मैंने क्या बात की, आपस में एक दफ़ा दोहरा दो। जब वो आपस में कहेंगे तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ज़ाहिर बरकत तो होगी होगी अमल जो उनका है, और साथ ही साथ वो रीकैप करके उनको मौका मिलेगा खुद से कुछ कहने का। आपके हमारे साथ तो सारे ज़िंदगी ये हुआ, एक साहब आते थे, उस्ताद साहब बोर्ड पे लिखते रहते और वो जब आखिरी कोने पे पहुँचते थे तो उनका दीदार नसीबी तब होता, फिर वो हमारी तरफ मुँह करके कहते थे लिख लो मैं मिटा देना नहीं। इतना इंटरेक्शन उनका होता, जबकि टीचर का इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेक्टिव क्या है, वो रीच स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स तक पहुँचता है, उनसे बात करता है, तो फिर वो उसके करीब। और कभी भी अपने बच्चों को वो खौफ मत दीजिए कि वो आपसे परे होके आपको लगे कि आपका एहतराम कर रहा है। जो आपसे दूर हो रहा होता है वो आपका एहतराम नहीं कर रहा। एहतराम तो ये है कि वो आपके करीब हो। आप जब इस बात को जहन में रखेंगे तो मेरे रब की तरफ से और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ के इम्कान पैदा। अंग्रेज़ी के हवाले से मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि दुनिया की आसान तरीन ज़बानों में अगर कोई ज़बान है तो वो अंग्रेज़ी है। क्योंकि आज से 12 बरस पहले, शायद 15 बरस पहले तक जो तहकीक थी वो ये था कि 8वीं फेल एशियन को 3000 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आते हैं, और अब तो 10,000 से भी ज़्यादा उसे आते। तो चीज़ों का होना और उनका इस्तेमाल में होना दो मुख्तलिफ चीज़ें। आप जब उनको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं तो आप ज़ाहिर उसे नहीं कर पाते। आप सिर्फ इतना काम कीजिए जो आपके घर में लोग मौजूद हैं उनको, सिर्फ जिस तरह मर्द घर जाते हैं उसके 2-3 सवाल होते हैं, और वो क्या होते हैं, कितने आगे से जवाब आते होते उठे, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा होते ही। तो अगर उन्हें वेयर इज़ देना, वे इज़ सिखा दिया जाए, तो जवाब में क्या, जो अंग्रेज़ी के नाउन्स हैं वो तो हैं मौजूद, सिर्फ इन, ऑन, एट, ओवर, नियर ये समझा दें। मिसाल के तौर पर उन्हें जाकर पूछा केक कितने, तो केक कौन सी जबान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी का। आगे से उन्हें कहा फ्रिजिच, तो अगर सिर्फ इन बता दे तो अंग्रेज़ी शुरू हो जाती है, इन फ्रिज, ऑन टेबल, मतलब अंकल कितने, ड्रैग च, इन ड्राइंग रूम होते। तो ये इन और, आप अपने बच्चों को जब ये सिखाओगे वो अपने बड़ों को जाकर ये सिखाएंगे, तो फिर अंग्रेज़ी इसी तरह बोलना शुरू कर दो। और दुनिया की कोई भी जबान बहुत कम होता है जुमलों में बोली जाए, वो टुकड़ों में ही बोली जाती है, वो टुकड़ों में ही बोली जाती है। तो आप भी जब उसे टुकड़ों में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप उसे टुकड़ों में नहीं बोलेंगे और वही जुमले बोलना शुरू करेंगे और फिर टेंस ढूंढते फिरेंगे तो वो तो आज तक नहीं आएगा। आप देखें दुनिया जहान के, क्योंकि हमारे साथ अलमिया ये हुआ कि हमारे आज भी मैसेज नहीं लिखता, वो खत ही लिखता है। हमारे साथ तो ये हुआ कि हमारा दोस्त अहमद और फातिमा के अलावा हो ही नहीं सकता, है क्या ऐसा? हमारे यहाँ सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा के सिंपल पास्ट में स्टोरीज याद कराई जाती है, लिखना नहीं सिखाया जाता। तो उसके फिर नतायज आपके हमारे सामने आ चुके हैं। तो आप कम से कम अपनी जो भी आपके पास जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हो, क्योंकि इम्तिहान भी आपने करवाने हैं पास, ज़ाहिर बच्चों को रट्टा लगाए बगैर तो आप नंबर दिलवा ही नहीं सकते। और मेरा तो किबला ये मानना है जो बच्चे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं कौम को सबसे ज़्यादा इन्हीं से खतरा है। मेरा इसके ऊपर एक लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा है, काम करने वाले निकम्मे बच्चे। आप तजुर्बा करके देखिए, जो बच्चा दही लेकर आएगा, फूफो को छोड़ के आएगा, खाला को लेकर आएगा, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होगा और वो निकम्मा होगा। वो ये सारे काम करता, वो जो कमरे से नहीं निकलता, किसी को मिलता नहीं क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो आइडियलाइज हो। और चूंकि वो सोशल ही नहीं होता, वो बाद में जाकर जब किसी बड़े अहदे पे बैठता है उसने तो वो नशीब व फराज देखे नहीं। इसलिए ये आपका हमारा काम है कि हम जिस हद तक भी उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। क्लियर?
आपने जो वक्त मुझे फरमाया था बक्स तो है उन बक्स को इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवा देंगे। मैं आपको एक बात इस करूँ कि होल्ड होता ही उसका है जिसका पहले अपने आप पे होल्ड होता है। आप कभी भी, मुझे याद है कि मैंने इसी जुमले के जब मुझे समझ आई, मैंने दो चार कातिल कैदी जो थे ना फांसी की सजाएं उनको मिली थी, तो मुझे उनके इंटरव्यू का मौका मिला, तो मुझे एक बंदे का जुमला आज तक नहीं भूला। मैंने उसे कहा कि यार क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा काम तुमने कर। मुझे कहते सर जी बस रोक नहीं सके। उसका एक जुमला, गजब का जुमला, आप और हम होल्ड कर ले बस हमारा होल्ड हो जाता है और ये सारे बग्स खुद ब खुद उड़ जाते। आप एक लम्हे को अपने आप को रोक के, और वही एक लम्हा। और दूसरी बात मैं आपसे ऐसा करूँ, जो तो सिले के लिए रोकता है अपने आप को वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये जरा बड़ा अहम जुमला है, थोड़ा लतीफ है, मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे। जो सिले के लिए अपने आप को रोक लेगा कि मैं रोक रहा हूँ मुझे सिला मिले, अगर उसे सिला ना मिले उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। तो अच्छे अमल की तौफीक बजाते खुद सिला है। ये पांच दफा साथ वाले को सुनाइए, अच्छे अमल की तौफीक बजाते खुद सिला। तो इस सूरत में सिला तो मिल चुका आपने। आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो और आपको उसकी तरफ से अच्छा नहीं मिलता तो आपको अंदाजे नहीं आपके लिए कितना अच्छा हो चुका हो, क्योंकि फिर आपका अकाउंट रब के हुजूर खुल चुका हो। उसकी बस सूरत हाल ही और है। और मुझे कहानी याद आती है, मैं एक जगह, मैंने तीन दिन का कोर्स बनाया टीचर्स के लिए जिसमें मैं स्पीकिंग कर सिखाता हूँ। वो तो यानी वो यूँ है कि आप बेशक कहीं से टेस्ट करा लें अपना पहले, तीन दिन हम आपको पढ़ाते, तीन दिन के बाद भी कहीं से टेस्ट करा लें, यू वुड फील द डिफरेंस। तो एक इदारे ने मुझे खिदमात के हवाले से, गवर्नमेंट का कोई इदारा था, तो मैं सवेरे सवेरे वहाँ जाता तो मैं एक माली को देखता कि वो बैठा जो भी गोडी वोडी कर रहा होता था। मेरी और उस इदारे के साहब की दोनों गाड़ियाँ हमारे साथ साथ तकरीबन आगे पीछे जाते, और मैं देखता कि बाबा जी उठ के ना दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। मैं कहूँ कि इसमें कोई हिकमत तो है, और मेरे अल्लाह ने अगर मेरी नज़र उधर डाली है तो मेरे लिए कुछ सबक है इसमें। खैर मैं अपने काम में लगा रहा दो दिन तीन दिन, जब मेरे तीसरे दिन ट्रेनिंग ख़त्म हुई मैं वापस आया तो मैंने कहा मैं बाबा जी से मिल के पूछ के ज़रूर जाऊँगा कि क्या आपने सजेस्ट किया। मैंने कहा बाबा जी मैं देख रहा हूँ कि मालिक आता है आप छुप जाते, यहाँ पर तो हेडमास्टर साहब ने कमरे के बाहर गुजरना हो तो एक दूनी दूनी ज़्यादा तेज़ हो जाती कि लोग को पता चले कि अंदर पढ़ाई हो रही है और आप छुप रहे। मुझे उसने कहा कि साहब जी अगर ये मालिक उतर के आ गया, उसने थपकी दे दी तो वो मुझे थपकी क्यों देगा, तो मैं उस थपकी के लिए बैठा। तो खुदा आपको हमें भी वही थपकी नसीब फरमाए, आमीन। जी सर आप कुछ फरमाने से आपने जो बात की ना कि कोई हम काम करते हैं दिखाने के लिए कि यार देखो ये काम कर रहे हैं, मैं इसको ख़त्म इस तरह करता हूँ सर कि दिखावे की तो नमाज भी कबूल हो जाएगी। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, कबूलियत तो खैर रब के हुजूर है, आज ना इसकी भी ज़रूरत है कि आपको कोई देख के पढ़ना शुरू करे। चलो देख के कोई, क्योंकि देख के बच्चा तो वैसे भी देख के। थैंक यू वेरी मच डियर फैमिली। बहन के साथ हम लोग गए तो इसी तरह ही कैदी के मर्डर के 302 उनकी घर से खवातीन आई हुई थी, जो लोग थे वो मिलने नहीं गए थे पुलिस वालों को, बेचारे उनके रिक्वेस्ट कर रही हैं और रिश्वत तक वो ऑफर कर रहे हैं। मैं भी वहीं पर यह सारा देखा था, मैं कोर्ट में एविडेंस क्लीन किया और मैंने उनको ना तो पुलिस तक लगा ना ये मैंने यार ये साहब हो गया पैसे वैसे मारते हैं मैं तो यार कुछ सवाल कर रोकने वाली बात से मैं आएंगा बर्दाश्त वाली बात से। तो उसने कहा कि जी वो मेरी भैन को छेड़ता सी तकाजा तय ही सी कर दिता, लेकिन ये तू रोक नहीं ना तेरी वो ही भैन है ना, मैं क्या वो ही भैन ही मैं तो टगे टगे सिपाही तरले तू कहते उतरी गया।
बात ये अपने आप को कंट्रोल करना, प्रोफेसर ने मैसेज दिया बर्दाश्त, और ये बर्दाश्त पेशेंस लेवल प्रायोरिटी पे टीचर की होना चाहिए। अगर उसकी प्रायोरिटी में पेशेंस नहीं है तो वो सुझाव तभी ला सकता है अपने उलझियों को, जैसे वो रिहाना बता रही है कि आप अपनी मरीज बाहर रख के और यहाँ की मरीज भी अंदर ना लेके जाए, फिर वही होगा कि वो मेरा दिमाग पहले ही मेल ही बोलते हैं देखो इस फ्रस्ट्रेशन को, ये फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल। सो आपकी तरफ से कोई है क्वेश्चन तो ईशा साहब के साथ हमारी कमिटमेंट थी, हम ये अल्फाज आप तक पहुँचाने चाहते थे। जी बिल्कुल अवेलेबल है, बल्कि मैं एक फ्री सेशन करा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का रात को 9 से 10 बजे मेरे फेसबुक पर, जो सेब्स इंस्टीट्यूट का फेसबुक है, और मेरा चैनल सैयद एजाज बुखारी के नाम से है, वहाँ पर रोज रात को ये स्पोकन इंग्लिश का सेशन होता है 9 से 10 बजे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपने पास, लिख लें देंगे तो ये मुझे बता देंगे, बल्कि आपको भी बता देंगे कि हू आई एम, हू आर गिविंग द इंट्रोडक्शन टू सर। तो सर ने अपना ये टाइम जो है हमें दिया है, ये मैं आप लोगों को भी समझता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे अदारे के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके अल्फाज को अगर आप तोलेंगे तो शायद सोने से भी नहीं गई, वो मोती होंगे जो किरतास पे उतारे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ठीक है। ट्राई अवर लेवल, हमारी कोशिश थी कि हम वो 200 का 200 बंदा ऐसा के सामने बिठा सकें, बट ड्यू टू स्पेस एंड ड्यू टू द टाइम कौन लेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो शसब से हम टाइम लेंगे प्रॉपरली। ये तो हमने इनके लम्हात चुराए हैं और इनकी इजाज़त के साथ तो आपके लिए ये एक हिस्ट्री है, अगर कैसे आई एम नॉट रॉन्ग, ये लम्हात ये अल्फाज अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, वो चाहे अवर लेवल बेस्ट कि आप टीचर बन जाए, क्योंकि मैं ऐसा इनको कहता हूँ तुम्हें लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, दिस इज कोटेशन फॉर ऑल पीपल फॉर एवरीवन, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देन हाउ इज इट पॉसिबल द लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस फॉर टीचर, यू इज मेकिंग अ लाइफ। सो अल्लाह ताला आपको जजा दे, अल्लाह ताला आपका आना आपकी हुईत सीने से आपको शुरू लाए, और ये बच्चे अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सुनते हैं हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ठीक है, तो ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेरी इंट्रोडक्शन सेशन होता सर, देन आपकी मूवी।